So under animal husbandry, our third industry is apiculture. Apiculture means the honey bee culture. तो यहाँ पर हम जो है वो हनी बी कल्चर को स्टडी करेंगे. एपी, एपिस से बना है वर्ड, और एपिस की मीनिंग होती है हनी बी. तो एपिस से बना एपी कल्चर. सो एपिस का मतलब होता है हनी बी. तो हम यहाँ पे हनी बी कल्चर को स्टडी करेंगे कि हम हनी बी को आर्टिफिशियली बी हाइव में कैसे पालते हैं, उससे कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, कौन से टाइप की बीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं हनी बनाने के लिए, और उसको मैनेज कैसे करते हैं. तो यहाँ भी पहले तो डेफिनेशन है एपिकल्चर की. इट इज़ द आर्टिफिशियल रियरिंग. आर्टिफिशियली हम उसको रियर करेंगे. रियर करना मतलब पालना हनी बीज को. कौन से पर्पज से पालेंगे? टू ऑब्टेन देयर प्रोडक्ट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हनी ही प्रोडक्ट होता है. हनी के अलावा दूसरे भी बहुत सारे प्रोडक्ट हमको हनी बी से मिलते हैं, वो अभी हम देखेंगे प्रोडक्ट के टॉपिक में. तो वो सारे प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए हम लोग हनी बीज को पालते हैं. नेक्स्ट स्पेसीज, कौन सी स्पेसीज जो है ज़्यादा करके हनी बी कल्चर में या एपी कल्चर में यूज़ की जाती हैं? तो इसमें पहली जो स्पेसीज है वो है एपिस इंडिका, इंडियन हनी बी. इंडिका से समझ में आ रहा है, इंडियन ओरिजिन की है, तो इसके लिए इसको एपिस का मतलब हनी बी. एपी कल्चर उसी से बना है वर्ड. इंडियन हनी बी ये सबसे कॉमन है जो इंडिया में पाली जाती है, और दूसरी भी इंडिया में ही पाली जाती है, हालांकि उसको यूरोपियन बी बोलते हैं. इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में, एग्जॉटिक ब्रीड है एपिस मेलीफेरा. साइंटिफिक नेम याद रखना है आपको हनी बी के, एपिस मेलीफेरा. तो ये दोनों जो होती हैं एपिस इंडिका और एपिस मेलीफेरा, इन दोनों को कहा जाता है डोमेस्टिकेटेड बी. इनको कहते हैं डोमेस्टिकेटेड बी. इनको डोमेस्टिकेट किया जाता है, मतलब इनको सबसे कॉमनली पाला जाता है, तो इसके लिए इनको डोमेस्टिकेटेड बी कहा जाता है. फिर तीसरी जो अपनी स्पेसीज है वो है एपिस डॉर्सेटा. एपिस डॉर्सेटा या इसको रॉक हनी बी भी कहते हैं. तो इसको नहीं पाल सकते इतना आसानी से, हालांकि इसमें अमाउंट ऑफ हनी जो है वो ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इनका जो बी हाई होता है हनी कॉम जो होता है वो बड़ा होता है साइज़ में. लेकिन इनको रियर करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये वाइल्ड हनी बी होती है. वाइल्ड का मतलब यहाँ पर जो जंगलों में रहती है, रॉक हनी बी नाम से समझ में आ रहा होगा. तो इतना इनको जो है वो आर्टिफिशियल बी हाइव में नहीं पालते हैं. यहाँ ज़्यादा प्रीफर जो होती है वो एपिस इंडिका होती है, या के फिर एपिस मेलीफेरा होती है. फोर्थ वाली जो है वो है एपिस फ्लोरिया, लिटिल हनी बी. लिटिल हनी बी या एपिस फ्लोरिया कहते हैं इनको भी. यूजुअली जो है कमर्शियल पर्पस के लिए तो नहीं पालते हैं इनको. हाँ, ऐसे ही अगर कोई फार्मर इनको साइड बिजनेस के लिए पालना चाहे अपने ऑर्कार्ड में या अपने फार्म में तो पाल सकता है, लेकिन पर्पसफुली इनको जो है हनी ऑब्टेन करने के लिए या के फिर जो है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको तो नहीं पालते हैं, बट फिर भी इसको कल्चर करते हैं. हनी जो है वो कम मिलता है, लिटिल हनी भी है क्योंकि साइज़ इसकी छोटी होती है इसलिए. नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमको हनी कॉम, आर्टिफिशियल हनी कॉम के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें लगेंगी एपिकल्चर के लिए. तो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है सिलेक्शन ऑफ स्पेसीज. अच्छी स्पेसीज सिलेक्ट करें, और सूटेबल लोकेशन भी. मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेसीज सिलेक्ट कर लिया और हम अपने घर में रख करके उसको पाल रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह पाल रहे हैं जहाँ पर जो है उनको फ्लावर्स नहीं मिल रहे हैं, या फ्लावर के जो नेक्टार हैं वो नहीं मिल रहे हैं. तो ऐसी जगह पर वो बी हाइव रखना होता है कि जहाँ से जो रॉ मटेरियल है हनी बनाने के लिए वो इजीली अवेलेबल हो जाए. तो ये चीज़ जो है ज़रूरी है उसमें. नेक्स्ट जो है वो कुछ इक्विपमेंट्स हैं. नाउ देयर आर सर्टेन इक्विपमेंट्स, कुछ मटेरियल हैं जो कि आर्टिफिशियल हनी कॉम सेटअप करने के लिए ज़रूरी है, हनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं. तो इसके अंदर जो है अनकैपिंग डिवाइस, अनकैपिंग नाइफ, मतलब जिससे जो है वो वैक्स को हटाते हैं, अनकैपिंग करते हैं. फिर स्वाम नेट, स्वाम का स्वाम मतलब होता है हनी बी का ग्रुप,
स्वार्म, स्वार्म कोई भी इंसेक्ट के ग्रुप को बोलते हैं। तो हनी बी को पकड़ने के लिए स्वार्म नेट की ज़रूरत होती है। स्मोकर हनी बीज को जब हनी निकालते हैं तो उसको भगाने के लिए, स्मोक प्रोड्यूस करने के लिए स्मोकर एक डिवाइस आता है, उसकी ज़रूरत होती है। बी ब्रश हनी बीज के लिए, और ऐसे ही ग्लोव्स चाहिए होते हैं, गम शूज़ चाहिए होते हैं, ये सब चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट हैं। और क्वीन एक्सक्लूडर, जब हनी को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो पहले क्वीन बी को जो है वो निकालना होता है, बाद में फिर बाकी के बीज को भगाना होता है। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सब कुछ होने के बाद, नॉलेज होना, कि हमको नॉलेज होना चाहिए हनी बी के बिहेवियर के बारे में और उनके ब्रीडिंग सीज़न के बारे में, कि कब हनी बीज जो है वो ब्रीड करते हैं, कब ज़्यादा हनी बनाते हैं, नेक्टार कब अवेलेबल होता है, ये सारी नॉलेज होना चाहिए मैनेजमेंट के बारे में, बी हाइव के मैनेजमेंट के बारे में, डिफरेंट सीज़न के बारे में। कुछ पर्टिकुलर सीज़न होते हैं जहाँ पर नेक्टार, जिन सीज़न में नेक्टार ज़्यादा मिलता है, तो विथ रिस्पेक्टिव टू दो सीज़न हमारा हनी भी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस होता है। देन हाउ टू कलेक्ट द हनी, हाउ टू स्टोर दैट हनी एंड सम अदर प्रोडक्ट्स जो हमको हनी कॉम से मिलते हैं, ये सब के बारे में हमको नॉलेज भी होना चाहिए। देन यहाँ भी वो चीज़ ज़रूरी है, पीरियोडिक इंस्पेक्शन। पीरियोडिक इंस्पेक्शन मतलब हनी कॉम को हम देखते रहें कि कब कितना हनी तैयार हुआ है, और क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है बी हाइव के, तो चेक करते रहना होता है कि जो उसके सेल्स हैं, सेल्स मतलब यहाँ पे जो आपने देखा होगा वैक्स हेक्सागोनल सेल्स होते हैं, वो पूरी तरह से वैक्स से जब पैक हो जाते हैं तब उनके अंदर जो है वो हनी ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब नॉलेज में होना चाहिए जो फार्म का ओनर होता है, या कि वहाँ जो वर्कर होते हैं उनको ये सारी नॉलेज होती है। देन नेक्स्ट हम कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं जो हमको एपिकल्चर से मिलते हैं, बी हाइव से मिलते हैं। तो यहाँ हमको हनी तो मिलता ही है, साथ में रॉयल जेली मिलता है, एक स्पेशल टाइप का हनी होता है जो क्रीमिश कलर का होता है, और ये पर्टिकुलरली क्वीन का हनी होता है जिसके ऊपर क्वीन फीड करती है। तीन टाइप के जो है इसमें तीन वैरायटीज होती हैं, हम बोल सकते हैं तीन टाइप के हनी बीज होते हैं एक हाइव में, एक स्पेसीज में, क्वीन है, ड्रोन है और वर्कर्स हैं। हम देखेंगे अभी उनके फोटोग्राफ्स भी। तो इसमें से जो क्वीन होती है, क्योंकि ये सोशल एनिमल है, ग्रुप बना करके रहता है, और इनके बीच में आपस में जो एनिमल्स होते हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो क्वीन का ऑर्डर जो है वो सभी बाकी के जो एनिमल होते हैं वो मानते हैं। तो कुछ वर्कर होते हैं क्वीन की सर्विस के लिए, और कुछ ऐसे वर्कर होते हैं जो आउटडोर वर्कर होते हैं जिनका काम होता है बाहर से नेक्टार कलेक्ट करके लाना, पोलन ग्रेन कलेक्ट करके लाना, और कुछ ऐसे वर्कर होते हैं जो बी हाइव की साफ सफाई करते हैं, और मेल हनी बीज होते हैं ड्रोन बीज जिनका काम होता है मेटिंग करना क्वीन के साथ में बिफोर ब्रीडिंग पीरियड। तो रॉयल जेली इसमें से जो है ये क्वीन के लिए एक अच्छा, एक स्पेशल खाना होता है जिसके ऊपर क्वीन फीड करती है। फिर बी पोलन मिल जाता है हमको, हनी तो मिलता ही है रॉयल जेली के साथ में, हमको बी पोलन भी मिलता है, हनी बीज के पास में पोलन ग्रेन भी होता है, जो वर्कर बीज होती हैं ना वो पोलन ग्रेन खाती हैं। तो जब हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन भी मिल जाता है। अब पोलन ग्रेन का इंसान को क्या फ़ायदा होता है, तो पोलन ग्रेन जो होते हैं ये भी बहुत न्यूट्रिशन रिच होते हैं, और पोलन टैबलेट्स बनती हैं जो कि काफ़ी न्यूट्रिशियस होती हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें जो है विटामिन और प्रोटीन होते हैं, एनर्जी बहुत होती है इसके अंदर। बहुत सारे एथलीट्स ऐसे होते हैं जो पोलन टैबलेट्स को यूज़ करते हैं, मतलब अपनी कैपेसिटी और अपनी ताकत को बनाने के लिए, परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए। तो बी पोलन भी एक अच्छा प्रोडक्ट है यहाँ से। हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ हनी बी से या हनी कॉम से हनी मिलता है, पर हनी के साथ साथ में दूसरी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बी वैक्स मिल जाता है, तो उसको भी जो है अलग अलग इंडस्ट्री में, वैक्सिंग वैक्स वाली इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, टॉयज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत फाइन वैक्स होता है, तो इसको जो है मूर्तियाँ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आप शायद कभी कोई वैक्स म्यूज़ियम गए होंगे,
वैक्स म्यूज़ियम विज़िट किए होंगे, तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के जो स्टैचू होते हैं वो वैक्स के बने हुए होते हैं। ये ऑर्डिनरी वैक्स नहीं होता है, ये बी का वैक्स होता है जो कि बहुत फाइन होता है और बहुत ही क्लीन होता है, प्रोसेसिंग करके उसको और क्लीन किया जाता है। तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट होता है जो वहाँ से मिलता है। बी वेनम, हनी बीज से हमको वेनम भी मिलता है, वेनम मतलब उनका जो पॉइजन, जो टॉक्सिन होता है वो, तो बी वेनम या बी पॉइजन जो होता है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय गिविंग अ माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक टू हनी बीज। हनी बीज को एक माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दे करके वहाँ से बी वेनम ऑब्टेन करते हैं। और बी वेनम बहुत महंगा बिकता है, बहुत सारी एपीकल्चर की जो इंडस्ट्री होती हैं उनका जो प्राइमरी पर्पज़ होता है वो हनी ऑब्टेन करना नहीं होता है, बी वेनम ऑब्टेन करना होता है। बी वेनम जो है ये तोला, जैसे हमारा जो सोना होता है ना उसमें तोले में जो है वो बिकती हैं, तो बी वेनम हमको मिलता है। फिर कुछ एपीकल्चर के अदर सिग्निफिकेंस भी हैं, तो जो अदर सिग्निफिकेंस हैं इन अदर सिग्निफिकेंस में हम देखते हैं कि हनी बीज जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ द फूड चेन, हमारी फूड चेन का पार्ट है। कुछ 24 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स ऐसे हैं जिसमें ब्लैक बर्ड है और फिर रूबी थ्रोटेड हमिंग बर्ड है, स्टारलिंग बर्ड है, स्टारलिंग नाम का एनिमल है, और ये जो है हनी बीज के ऊपर प्रे करते हैं, मतलब उसको खाते हैं, शिकार करते हैं उसका। बहुत सारे स्पाइडर हैं, इंसेक्ट हैं, ड्रैगन फ्लाइज हैं, प्रेइंग मेंटाइसेस हैं, ये सब भी जो है वो हनी बीज को खाते हैं। तो ये हमारे फूड चेन का भी एक पार्ट है, ये भी अलग एक सिग्निफिकेंस है एपीकल्चर का। हनी की न्यूट्रिशनल डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, मेडिसिनल वैल्यू भी हनी की ज़्यादा है। बी वेनम जो है उसको एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के तौर पे यूज़ करते हैं, अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए, जो जॉइंट पेन होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस उसके लिए जो है उसको यूज़ किया जाता है। हनी बीज जो है वो हमारे एनवायरनमेंट की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करती हैं। दे आर गुड पॉलिनेटर्स, एक अच्छे पॉलिनेटर्स होते हैं फॉर वाइल्ड श्रब्स, जो वाइल्ड श्रब्स होते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं उनके लिए, ऑर्किड्स के लिए और फार्म के लिए एक अच्छे पॉलिनेटर्स होते हैं। ये जो है यहाँ पर एपिस मेलिफेरा के जो तीन टाइप की बीज हैं उनके फोटोग्राफ से आप देख सकते हैं। इसके क्वीन की साइज़ जो होती है वो बड़ी होती है, वर्कर की साइज़ छोटी होती है, और ड्रोन जो होता है ये मेल बी होती है, तो इसकी साइज़ जो है वो एवरेज होती है। तो ये तीन यहाँ पर दिखाए हुए हैं। बी हाइव, आर्टिफिशियल बी हाइव जो है वो कैसा दिखता है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो ऊपर जो है एक कवर होता है, आउटर कवर विथ क्राउन बोर्ड उसको ढकने के लिए, और एक इनर लिड होता है। फिर उसके बाद में हनी सुपर है ऊपर की तरफ यहाँ पर, और फ्रेम्स हैं जहाँ पर वैक्स को रखा जाता है, लगाया जाता है। क्वीन एक्सक्लूडर है, यहाँ से क्वीन को निकाल लिया जाता है। फिर यहाँ देख सकते हैं हाइव बॉडीज़ हैं बीच में, तो ये जो हाइव बॉडीज़ हैं यहाँ पर एक्चुअल जो अपना हनी है वो जमा होता है। फिर यहाँ एंट्रेंस रेडियस देख रहे हैं, यहाँ से एंट्री जो है वो बीज यहाँ से इंटर होती हैं अपने हाइव के अंदर, और ये बॉटम स्टैंड है जिसके ऊपर इसको रखा जाता है। तो ये आर्टिफिशियल बी हाइव है। तो यहाँ तक के हमारी जो है वो एक और इंडस्ट्री कवर हो जाती है एपीकल्चर की। अब कुछ बची हुई हैं जिसमें फिशरी बची हुई है, सेरी कल्चर बचा हुआ है और लैक कल्चर बचा हुआ है। तो ये कुछ, ये तीन इंडस्ट्रीज हमारी अभी रिमेनिंग हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके।